हेलो एवरीवन दिस इज द फर्स्ट कोर्ट हे नारी इस मृत पति का त्याग कर पुनः जीवितों के समूह में पदार्पण करो तुमसे विवाह के लिए इच्छुक जो तुम्हारा भावी पति है उसे स्वीकार करो ये ऋग्वेद के दसवें मंडल के अठारहवें अध्याय के आठवें श्लोक में वर्णित है आज के लिए इतना ही धन्यवाद